हेलो फ्रेंड्स, अक्सर तो हम तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं ठंड के दिनों में, लेकिन ये लड्डू हमारे से कभी कभी बिगड़ जाते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं बना पाते तो गड़बड़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके लड्डू कभी भी नहीं बिगड़ेंगे, हमेशा परफेक्ट बनेंगे, और इसको हम बिना मावा और ड्राई फ्रूट्स के बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इसको बनाने के लिए हमने तिल ले लिया है, ये मेरे घर की ही तिल है, तो 2 कप तिल ले लिया है। अक्सर घर की तिल रहती है तो हम उसको साफ़ नहीं करते हैं, और जब इसके लड्डू बनाकर तैयार करते हैं तो बीच में इसमें कंकड़ आते हैं तो हमारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम तिल के जो है ना कंकड़ वगैरह उसको साफ़ कर लेते हैं बहुत ही बारीकी से, और इसको हम रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके इसको रोस्ट करेंगे। नीचे से बराबरी से इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें बढ़िया से आँच लगे, और ये जब हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो अच्छी सी खुशबू आने लगती है और फूली फूली दिखती है। तो हमने अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई में नहीं रखे रहने देंगे क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म होती है और ये जला देगी। तो हमने ये जो जितनी भी तिल लिया था इसके हमने 2 पार्ट कर लिया है। जब ये तिल हमारी ठंडी हो गई है तो 1 प्लेट का हमने तिल को इसको पाउडर में बनाएंगे, तिल का पाउडर। तो इसको हमें करना यह है, जब भी आप इसका पाउडर बनाएं तो जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही बनाएं। तो हम थोड़ा से चलाएंगे मिक्सर में और फिर इसको चम्मच से चलाएंगे, फिर मिक्सर चालू करके इसको घुमाएंगे। ऐसा करते हुए हम इसका पाउडर बनाएंगे तो कभी भी हमारा इससे तेल रिलीज नहीं होगा। एक बार में यदि हम कंटिन्यू इसका पाउडर बनाने के लिए मिक्सर में चला देते हैं तब हमारा इससे तेल रिलीज होता है। अब हमारा पाउडर बन गया है तिल का, तो हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने 2 से 3 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी डाल दिया है। घी ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और इसमें हम गुड़ ऐड कर देते हैं। जितना हमने तिल लिया है उतना ही हम गुड़ मिलाएंगे। ये देसी गुड़ है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसको मेल्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दें ताकि जल्दी मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें हम घी मिला देते हैं ना तो ये जो गुड़ है गुड़ को मेल्ट होने में आसानी होती है, बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाता है। तो इसकी चाशनी बनाने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो करना है और इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। गैस का फ्लेम हम तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो चाशनी है ना नीचे से गुड़ जल जाता है। और यदि आपका मार्केट का गुड़ है हार्ड है तो आप उसको काट कर ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, तभी आप चाशनी बनाएं। तो अब हमने एक कटोरी में पानी ले लिया है इसकी चाशनी को चेक करने के लिए। अभी हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, ये थोड़ा थोड़ा सा झाग छोड़ रहा है। इसका मेन खेल चाशनी बनाने का ही है, ये ऊपर से झाग छोड़ने लगा था तब हमने इसको पानी में चेक किया। ये जो है चाशनी हाथ में चिपक रही है और पानी में घुल रहा है, तो अब इसको हम थोड़ा सा और पकाते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हमने देखा तो ये हाथ में चिपक नहीं रहा है और ना तो पानी में घुल रहा है, तब तक हम इसको पकाना है। अब हम इसका गैस ऑफ कर देते हैं। ये परफेक्ट हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है, और इसमें हम ये जो है ना तिल पाउडर फॉर्म में जिसको तैयार किया है और ये साबुत तिल है, दोनों को हमने इसमें मिला दिया अच्छे से। 4 से 5 मिनट बाद हम इसका लड्डू बनाएंगे, क्योंकि अभी गरम गरम में बनाएंगे तो हाथ में गुड़ चिपकेंगे और हाथ जल सकते हैं। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बनाने से पहले हाथ को पानी से गीला कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथ में ये बैटर चिपके ना और हाथ भी ना जल पाए। यदि आपकी फैमिली में ज़्यादा मेम्बर हैं तो फटाफट से 1 से 2 में बन सकते हैं, लेकिन अकेले में तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा करें कि आप एक साइड ये पूरा जो लड्डू का मिक्सचर है उसको इकट्ठा कर लें, और जितने आप लड्डू बना सकते हैं 4 से 5 उतना आप चम्मच से उस मसाले को निकालते जाएं। तो ये देखिए फटाफट से हमारे गोल मटोल छोटे बड़े इस तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसके लिए देखें बस तेल गुड़ और थोड़ा सा घी की ज़रूरत पड़ी और हमारे लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो मेन इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लड्डू बनाएं तो चाशनी का ही पूरा खेल है। चाशनी यदि आपकी ज़्यादा पकाएंगे ना तो तब हमारे लड्डू हार्ड बनकर तैयार होंगे, और जब हम इसको खाएंगे तो चबाने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आप लड्डू बनाकर तैयार करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं, जिनके दांत भी नहीं हैं तो उनके भी मुँह में घुल जाएंगे।
तो इस तरीके से आप लड्डू बनाकर तैयार करें। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, जल्द ही हम आपके साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।